दिनांक 23 अप्रैल को दोपहर के टाइम में एक लेडी शिवाजी चौक से जा रही थी डरवी चौक के यहाँ उनके घर। जाते जाते एक जो स्कूटी थी उनकी, उस स्कूटी पे दो तीन बैग्स उन्होंने रखे थे। चलाते चलाते समय उनको पता नहीं चला कहाँ गिर गई, वो तो घर पहुँच गई। बाद में हमारी जो हवलदार है वो पुलिस कांस्टेबल वंदना कावड़े, महिला पुलिस कांस्टेबल है, वो पेट्रोल भरने के लिए डरबी चौक जा रही थी। तभी उसने देखा कि एक जगह पे एक बैग गिरी हुई है किसी के, तो तुरंत ही उसने गाड़ी रोक के बैग ताबे में ले ली। जैसे ताबे में लेके खोल के देखा तो उसमें एक लैपटॉप था HP कंपनी का, और आजू बाजू में इंक्वायरी करने के बाद किसी ने कुछ बोला नहीं। तभी वंदना कावड़े महिला पुलिस कांस्टेबल, इन्होंने वहाँ पे जो रिक्शा चालक खड़े थे उनको एक मैसेज दे दिया, अगर कोई पूछने के लिए आएंगे तभी उनको बता देना कि ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस के पास ये बैग है और आप वहाँ पे संपर्क करिए। और हुआ भी ऐसा ही, दो तीन घंटे के बाद वो महिला जब ढूंढते ढूंढते आई तभी वैसी वहाँ पे जो रिक्शा चालक थे उन्होंने बताया कि आपका बैग ट्रैफिक पुलिस चौकी में है। तो वो महिला आई, उनका नाम हीरू पुरुस्वानी, उन्होंने पहचान बताई और उसको आइडेंटिफाई किया। तभी हमारे हवलदार जितेंद्र चौहान और बालाजी पंडित, इनकी मदद से हमने वो जो लैपटॉप वाली बैग थी उस महिला को हमने वापस कर दिया। सर ऐसे ही एक और इंसिडेंट था जहाँ पे कुछ बर्तन मांजने वाली औरत के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, क्या था वो मामला? ये आज की बात है, आज दोपहर में एक महिला जो है वो भारत चौक के इधर एक ATM सेंटर है वहाँ पे बैठी हुई थी, और कुछ देर के बाद वो बाज़ार के लिए निकल गई, लेकिन उसको पता नहीं था कि वो जहाँ पे बैठी थी वहाँ पे उसने अपनी पर्स भूल गई थी। जैसे हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के पुलिस हवलदार कुमार हुवाड़े ये पेट्रोलिंग कर रहे थे, पेट्रोलिंग के दरमियान उनकी नज़र उस पर्स पे गिरी, तो उन्होंने गाड़ी रोक के वो पर्स ताबे में लिया। जैसे पर्स में ताबे में लेने के बाद उन्होंने खोल के देखा तो उसमें 2,820 रुपये और एक छोटी सी डायरी थी जिसमें कुछ फ़ोन नंबर्स थे। उन्होंने तुरंत आके मुझे भी बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को ये पर्स मिली है। तो हमने और हमारे ऑफिस के पुलिस नाइक बालाजी पंडित, इन्होंने उस मोबाइल के ज़रिए कुछ लोगों को संपर्क किया। पता चला कि वो औरत, वो महिला जो है वो वैष्णो होटल में काम करती है, बर्तन मांजने का काम करती है। 2,820 रुपये उनके लिए बहुत ही बड़ी रकम है, 65 साल की महिला है, उम्रदार महिला है। जब वो मार्केट गई कुछ ख़रीदने के लिए तभी उन्होंने देखा कि उनका पर्स नहीं है। वापस फिर उसने वैष्णो होटल में आके इंक्वायरी करने के बाद उनको पता चला कि एक पर्स ट्रैफिक पुलिस के अमलदार को मिली है। तो वो महिला यहाँ पे आई, हमने उनकी इंक्वायरी की, उसकी छानबीन करके वो पर्स उन्हीं का है ये कंफर्म होने के बाद हमारे ACP साहब श्री दत्ता थोटेवाड़ सर, इन्होंने उनसे भी इंक्वायरी की और जो अमाउंट, पूरी की पूरी अमाउंट और डायरी जो थी उनको वापस लौटाए। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।